हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज हम मोमोज के साथ खाई जाने वाली चटनी बनाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं मोमोज वाली चटनी और जान लेते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यहाँ पर हमने 7 से 8 तीखा लाल मिर्च लिया है, बहुत ज़्यादा तीखा है ये, और इसको हम तोड़ कर, और विनेगर 2 चम्मच लिए हैं, उसी में हम सोक करने के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे। और यहाँ पर आप कलर के लिए चाहें तो 2-4 कश्मीरी मिर्च को भी ले सकते हैं। अगर साबुत कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मिर्च को भी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इन सूप को अच्छे से डिप कर देंगे और रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 प्याज़ मीडियम साइज़ के, या तो फिर थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 14 से 15 कलियां लहसुन की लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टमाटर प्याज अदरक को हमने इस तरह से काट लिया है पतला पतला, लहसुन को हम नहीं काटेंगे। अब उसके बाद गैस पर रखेंगे कढ़ाई या तो पैन, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच, या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उनको थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएंगे उसके बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज लहसुन अदरक को। इनको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भुनना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको भुनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब उनके बाद इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर को और इन सब के साथ इनको भी 1 मिनट के लिए भुनेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब बिना पानी के ही इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने नमक लिया हुआ है 1/2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, जो हमने मिर्च को भिंगो कर रखा है सिरका में वो है, और चीनी है 1/2 चम्मच। अब एक मिक्सर जार में भुने हुए टमाटर प्याज को डालेंगे। अब मिर्च को डाल देंगे, यहीं पर आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी डालेंगे, नमक। अब इन सबको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, बिना पानी का स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है मोमोज वाली तीखी चटनी। सो फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।